व्हाट इज लाइव? जीवन कहते किसे हैं हम? हॉस्पिटल से शमशान घाट तक पहुंचने के बीच का जो समय होता है, बस यही जीवन है। सच है या नहीं है? ठीक, अब बाकी का अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लो इसको। ठीक है, तो जो मोह माया की जो प्रक्रिया है, यही आपके जीवन है। तो अब नेक्स्ट, तो लाइफ की अगर हम बात करें आपके, तो लाइफ यानी जीवन हम कहते किसे हैं? तो रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटर रिलेशन, ठीक, बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर संबंध एवं अंतर क्रिया का परिणाम, यही कहलाता है आपके क्या? जीवन। ठीक है, तो लाइफ जो है आपके है क्या? मैटर और एनर्जी, इन दोनों के बीच में आपके इंट्रैक्शन एंड इंटर रिलेशन का रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति, इसको समझने का हम प्रयास करें, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब ये कैसे आपके होता है ये समझना, जीवन की उत्पत्ति। किस तरह से आपके पृथ्वी पर आपके जीवन की उत्पत्ति हुई? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति का आज तक का जो सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है वो है आपके कीमोसिंथेसिस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आपके एक रशियन साइंटिस्ट ने 1903 में। ठीक, नाम क्या था इनका? ओपेरियन। ठीक है, तो ओपेरियन देते हैं कीमोसिंथेसिस थ्योरी। कीमोसिंथेसिस थ्योरी का मतलब केमिकल सिंथेसिस थ्योरी। केमिकल मतलब रासायनिक, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो आपके ओपेरियन देते हैं जीवन की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, केमिकल सिंथेसिस थ्योरी। ओपेरियन आपके कहते हैं कि इस पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे आपके एलिमेंट मौजूद थे। ये आपस में केमिकली रिएक्ट करके बनाएंगे मिथेन, H2O पानी, और NH3 अमोनिया। इनके कॉम्बिनेशन से या इनके केमिकल रिएक्शन से आगे चल के निर्माण होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड। ठीक, और साथ में न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे चल के बनेगा क्या? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसी भी कोशिका के अंदर मिलने वाला वह फ्लड होता है जिसकी वजह से किसी कोशिका के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जीव द्रव्य आपके होता क्या है? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। और प्रोटोप्लाज्म के अस्तित्व में आते ही अस्तित्व में आ जाएगी सेल, और सेल का मतलब आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, फिर यहां सेल के लेवल पे एवोल्यूशन होगा, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ठीक, तो फिर आपके ये सेल सेल आगे चल के बन जाएगी टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी, विभिन्न विभिन्न जीवों का आपके निर्माण होता चला जाएगा। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति का आपके सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा? कीमोसिंथेसिस थ्योरी। ठीक है।